चलिए, फर्स्ट वर्ड है श्रुति, आप भी देखिएगा सभी कोई, कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब देखने में लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, बट एकदम मुंह फुलाए हुए बैठे हो, पारस्परिक खराब संबंध। नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर एक हो गया, मेरा बगल पड़ोस से है झगड़ा चल रहा है। नहीं, देयर इज ए कोल्ड वार बिटवीन बिटवीन मतलब मनीष सर एंड रितेश सर। ना मनीष सर रितेश सर से बात कर रहे हैं, ना रितेश सर मनीष सर से बात कर रहे हैं। नहीं तो वो क्या हो गया, पारस्परिक खराब संबंध। आर एस मज में देयर इज ए कोल्ड वार बिटवीन क्या कहते हैं चाइना एंड इंडिया। चल रहा है ना अभी पारस्परिक काफी खराब संबंध चल रहा है ना, आर एस मज में कोल्ड वार सर, होता है ना। आप लोग भी भाई भाई तो बन घर में रहते हो, घर में रहते रहते क्या होता है, भैया दीदी किसी से झगड़ा हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग के बीच कोल्ड वार चल रहा है, क्या कारण है बताओगे। आर एस मज में देन वी कैन यूज दिस वर्ड इन आवर लाइफ, कोल्ड वार। इट इज क्लियर टू एवरीवन, कोल्ड वार दैट मीन्स देयर शुड बी नो कोल्ड वार अमंग फैमिली मेंबर्स। परिवार के सदस्यों के बीच में कोल्ड वार नहीं बता दिया, फर्स्ट है कोल्ड वार मीन्स हो गया पारस्परिक खराब संबंध। ऐसे भी देयर शुडंट बी कोल्ड वार अमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के बीच में पारस्परिक खराब संबंध नहीं होना चाहिए। इवन देयर शुडंट बी कोल्ड वार अमंग इंडियंस, भारतीयों को नहीं। इन दिस पैंडेमिक, इस जो कोरोना चल रहा है, कम से कम इस टाइम में तो आपस में खराब संबंध नहीं रखना चाहिए एक दूसरे से। कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। नाउ द सेकेंड वन, सी एवरीवन, डच करेज। गए जाके मनीष सर से बहस कर दिए या किसी बड़े से हम लोग बहस कर दिए, जब कोई शराब पी लेता है तो उसके बाद वो क्या बोलेगा नहीं बोलेगा कोई गारंटी नहीं रहता है। दैट कंडीशन इज नॉन एज डच करेज। इट इज क्लियर टू एवरीवन, डच करेज। फेयर प्ले, मैं आप लोग का एग्जाम मैंने दिया था, कुछ क्वेश्चन इधर भेजना स्टार्ट किया था, होमवर्क प्लस आप लोग का था क्विज टाइप का भी। मैं तो नहीं देखने जा रहा हूँ कि आपने किताब खोला कि मोबाइल के हेल्प से लिया, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आप लोग को होमवर्क सेंड कर रहा हूँ। क्या होना चाहिए वहां पर, फेयर प्ले होना चाहिए। फेयर प्ले मतलब ईमानदारी से आप लोग काम कीजिएगा। आर एस मच में फेयर प्ले, वेयर कैन बी यूज दिस वर्ड, वी कैन यूज दिस वर्ड, यस सर, हाँ ड्यूरिंग ईमानदारी के संबंध या कार्य, ईमानदारी से किया गया काम। जैसे आज संडे, चाहते तो हम नहीं लेते, बट यहाँ पे क्या है कि घर में बैठे हुए हैं और हम बोल दे नहीं आप लोगों को समर वेकेशन हो गया। यार कैसा कोचिंग, क्या गर्मी पड़ रहा है जो आप समर वेकेशन दोगे। आई हैव परचेज दिस पेन ऑन अ फैंसी प्राइस, मैंने एक क्या क्या काफी ऊंची कीमत पे इसे खरीदा है। इट इज क्लियर ना। गाला डे, गाला डे खुशी का दिन, 15 अगस्त इज अ गाला डे। मेरा बर्थडे आ रहा है, गाला डे है। नहीं आप लोग में से किसी का बर्थडे है और आप मनीष सर और रितेश सर को पार्टी देने जा रहे हैं, तो मनीष सर रितेश सर के लिए दैट डे विल बी अ गाला डे। जो नहीं दिया पार्टी तो गाला डे नहीं कहेंगे। आ गया समझ में गाला डे क्या होता है किसी का गाला डे? सेकेंड एक्सप्लेन अगेन। अरे अच्छा, होमवर्क आप लोग को मिलने जा रहा है। देखोगे यहाँ पर द इंस एंड आउट्स, तुमने बिना इंस एंड आउट सोचे हुए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। देखो कोई भी वर्क करने जा रहे हो तो उसका इंस और आउट सोच लो। जैसे आज हम सोचे कि नहीं चलो बच्चे लोग को आज होमवर्क दे देना चाहिए पूरा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ताकि 6 डेज 7 डेज में वो लोग पूरा का पूरा लर्न कर जाए। तो फिर हम ध्यान आया कि 8 9 10 के बच्चे सभी को मैंने ये होमवर्क क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि आप लोग ऑल ऑफ यू आर बिलोंग्स टू सीबीएसई, सीबीएसई बोर्ड ना। सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी जरूरी है, इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोग जब लिखते हो तो सिंपल इंग्लिश लिखते हो। ये इसका क्या है, गहना है। ये क्या है, गहना है, श्रृंगार है। आप कर दोगे ये खूबसूरती इंग्लिश की बढ़ जाएगी। इन्स एंड आउट्स पूर्ण जानकारी। नहीं तो आपको सर, अभी भी नो वन नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मेडिसिन, ऑफ द मेडिसिन ऑफ द पैंडेमिक कोरोना। देखो कोरोना के मेडिसिन के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, पूर्ण जानकारी नहीं है। अभी भी रामदेव बाबा और एक एलोपैथी में काफी ज्यादा जम के झगड़ा हुआ था। नहीं या बोलो टिपिज्म क्या होता है, रेड टिपिज्म। सपोज अपने घर में आप सप्लाई वाटर, सप्लाई का जो पानी होता है ना,
वो काम करो, या कोई भी सरकारी काम करवाना जाओ, इतना बोलेगा उस जगह जाओ, ये काम करो, इधर का जाओ, उधर, इतना दौड़ाएगा, इतना नियम कानून करेगा कि उस काम को होने में काफी लंबा समय लग जाता है। नहीं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेड टेपिज। ठीक है, हमारे इंडिया में किसी भी काम को करने के लिए कम से कम 20 जगह पेपर जाएगा, सारे वर्कर वहां पर साइन करेंगे, कई स्टाफ साइन करेंगे, तब जाके आप लोगों का क्या होता है, कोई भी काम हमारे यहाँ। कब कहोगे साथ प्रैक्टिस? खासकर लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून का जो काम रहता है उसमें। ठीक है, अगर आपको जीत चाहिए उसमें, कानून में आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको साथ प्रैक्टिस जरूरी होगा। और देखो लास्ट है आपका इस कॉलम में वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट क्या होता है? एक होता है ना कि एक दोस्त होता है या टीचर जो आप लोग को पढ़ाने का कोशिश करता है, इनकरेज करता है, और एक टीचर आया बोला तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग फेल कर जाएगा, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और तुम लोग को पूरा डरा दिया। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि जो टीचर आप लोग को डरा दिया या नेगेटिव बात कर रहा है, वो दैट टीचर इज अ जस्ट लाइक अ क्या कह कह देंगे, वेट ब्लैंकेट है, ही इज अ वेट ब्लैंकेट है। आप लोग के घर में भी क्या होता है, कुछ काम वगैरह होने जा रहा है और क्या होता है, कुछ लोग नेगेटिव बात करते हैं, तो नेगेटिव बात करते हैं, तो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज अ वेट ब्लैंकेट। वो आपको क्या कर रहा है, आपको हतोत्साहित कर रहा है, वो आप लोग को डाउनवर्ड कर रहा है। जैसे आप लोग होमवर्क जमा करना है, अचानक होमवर्क जमा करना है, मॉर्निंग में अचानक उसके ऊपर पानी गिर गया, पानी गिर गया, अब कहां से हम लोग जमा करें? या सपोज 500 का नोट है, 500 का नोट पूरा भींग गया और आपने उसको पैंट में या किसी में रखा था, धो दिया उसको, या 2000 का नोट से उसको धो दिया, अब आपको उसको, आपके पास वो एक नोट था, उसको काफी जरूरी कहीं काम था, अब आप क्या हो जाएगा, हतोत्साहित, डर जाएगा कि अब हम क्या करेंगे, पापा से डांट सुन जाएंगे। तो ये सारा का सारा चीज हो गया 9 वर्ड मीनिंग, आप लोग को याद हो जाएगा। ना ना है, हाँ देखते जाओ, हम थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, फिर स्टॉप करेंगे, फिर ग्रामर कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद बताएंगे। हैंड एंड ग्लव, ठीक है, जिससे होता है कि अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर अंतर है, स्कूल में पढ़िए और यहाँ पर ट्यूशन में पढ़िए, तो ट्यूशन में क्या होता है ना, यू आर हैंड एंड ग्लव विथ योर टीचर, आप लोग क्या हो गया, हम लोग से घुल मिल गए हो, जहां दिक्कत होता है खुल के बोलते हो कि सर इसका क्या होगा, सर ऐसे नहीं समझ में आया। नहीं, कुछ बच्चे अभी हालांकि हैंड एंड ग्लव नहीं हो पाए मेरे साथ, ठीक है, शांत बैठे हुए रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैंड एंड ग्लव विथ मी, मेरे के साथ उनका काफी घनिष्ठ संबंध हो चुका है, जिसके कारण बेचक लोग बिना डरे हुए जो भी प्रॉब्लम रहता है मेरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैंड एंड ग्लव्स होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होता है ना, मम्मी पापा के पास दुबक के बैठ जाते हैं, उनसे कोई भी बात शेयर नहीं कर पाते, तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हैंड एंड ग्लव होना चाहिए। आप लोग इसमें कितने लोग हैं जो मेरे से हैंड एंड ग्लव, क्या बता रहा हूँ, स्कूल से आओ सर, नैप नैप वेट नैप मतलब नैप NAP, नैप मतलब होता है कि आप चल रहे हो, बैठे हुए हो, बैठे बैठे कुछ टीवी भी देख रहे हो, अचानक झपकी आ जाता है, नहीं गेट, तो दैट इज नॉन इज नैपिंग। और 40 विंग्स मतलब क्या हो गया, 40 विंग्स मतलब आप स्कूल से आए थक हार के आए ना, 15 मिनट या 20 मिनट्स आओ और आके आराम कर लो, आंख बंद कर लो, भले नींद नहीं आ रहा हो बट आंख बंद करके इतना से रह जाओ, जानते हो पूरा थकान आपका दूर हो जाएगा। तो ये 40 विंग्स सभी का आदत होना चाहिए, श्रुति ये सब आदत होना चाहिए दिन में सभी को, 10 मिनट्स 20 मिनट्स, ये नहीं कि 2 घंटे सो गए, कुछ बच्चे लोग तो यहाँ लगता है 2 घंटे भी सो जाते हैं। ठीक है, और अब आता है ऑफ फ्रीलांस, स्वतंत्र लेखक। सपोज अगर मनीष सर को लिखना है सारे आप लोग के बारे में, सारे बच्चे लोग के बारे में, नहीं क्या हैबिट है, कैसा लगता है, बच्चे लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, इनका भविष्य क्या हो सकता है, कौन बच्चे कैसा करेंगे लाइफ में, नहीं तो देखो पार्शलिटी नहीं करना चाहिए। मनीष सर अगर है लिखना है सभी बच्चों के बारे में तो स्वतंत्र रूप से, ऐसा नहीं कि मनीष सर को जो 500 का नोट दे दिया उसके बारे में मनीष सर अच्छा अच्छा लिख देंगे, और जो 1 पैसा नहीं दिया मनीष सर उसके बारे में खराब लिख देंगे। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप
न्यूज चैनल देखते हो, उसमें जो भी आर्टिकल आता है ना, वो मस्ट बी अ फ्रीलांस, किसके द्वारा होना चाहिए, फ्रीलांस, कुछ भी एकदम स्वतंत्र रूप से लिखा होना चाहिए, किसी का दबाव में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। यहां तक समझ में आया सभी को? व्हील, आप लोग छोटे बच्चे हो ना, एक बार डिसाइड कर लो कि हमको बड़े होके क्या बनना है और उसके हिसाब से मेहनत करो। नहीं समझ में आ रहा है? आयरन व्हील होना मतलब एक बार जो सोच लिया उसको क्या करना है, सलमान खान का डायलॉग बोल देना है, नहीं जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद तुम्हें किसी के नहीं सुनता, दैट इज आयरन व्हील। एक बार सोच लो आईएएस अफसर बनना है, आईपीएस अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नहीं आज ये चैप्टर मैथ का हम कंप्लीट करके उठेंगे तो करके उठेंगे, दैट इज आयरन व्हील। चाहे पापा बुलाए मम्मी बुलाए, जब तक नहीं बनेगा आज हम उठने वाले नहीं है। आज ये पूरा वर्ड मीनिंग मनीष सर पढ़ाए हैं, आज किसी भी हाल में 11 12 बजे तक पूरा चटनी बना देना है, दैट इज आयरन व्हील। आया समझ में? एवरीवन शुड हैव अ आयरन व्हील, एवरीवन शुड हैव आयरन व्हील, प्रत्येक कोई को एक दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, एक बार ठान लो ये करना है दैट मीन्स करना है। नहीं नाउ वीमेन फेयर सेक्स, ठीक है, हम लोग के समाज में अब भी नारियों को बोलता है क्या, काफी मतलब आगे सम्मान दिया जाता है, बट रियलिटी कुछ और है। अब भी औरतों को कई जगह पर क्या होता है, बस जाओ जाके किचन में काम करो, उतना से ज्यादा आगे नहीं समझा जाता है। लड़के लड़कियों में अब भी भेदभाव किया जाता है, नहीं दैट इज नॉट गुड, ठीक है। एक मेरी कविता नारी, देयर इज प्रिविलेज ऑफ द फेयर सेक्स, फेयर सेक्स, नारियों को सहूलियत दी जाती है, आराम दिया जाता है, लेडीज फर्स्ट बोला जाता है, बट मन से कोई लेडीज फर्स्ट नहीं करता है, ठीक है। नाउ अ बिग गन फॉर श्री रियल एजुकेशन सेंटर, मनीष सर रितेश सर इज बिग गन, हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि दोनों भाई इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर बिग गन फॉर दैट इंस्टीट्यूट। और मेरे लिए एक एक बच्चे आप लोग क्या है, बिग गन हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, क्योंकि पता नहीं कल को कल आप प्राइम मिनिस्टर बनो, प्रेसिडेंट क्या बन जाओ, कोई साइंटिस्ट वगैरह, और जरूरत पड़े मनीष सर और रितेश सर को आप लोग का क्या ऑटोग्राफ लेना, नहीं तो ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट्स ऑफ माई इंस्टीट्यूट इज अ बिग गन फॉर मी। आप लोग भी अपना पढ़िए, आयरन व्हील होना चाहिए, और जिस दिन अच्छे पोस्ट पे बन जाओ दैट डे विल बी अ गाला डे फॉर हाउस, मतलब फॉर अस, हम लोग के लिए, ठीक है। आ रहे समझ में? बोलो कहाँ।